हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? ऑडियो और वीडियो सही है? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे लिमिट एज ए सम को यूज करके हम अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन मतलब हम एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और उसी एरिया को हम उस तरीके से लिमिट के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था, उसमें कुछ डाउट्स थे, तो एक वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लिमिट वाला पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो लिमिट वाले पार्ट को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक ना। अगर लिमिट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 11th में हमने किया था, उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बुक का, -1 to 1 e to the power x dx, है ना। तो इसको हमें इन जनरल लिमिट इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें लिमिट एज ए सम से करना है। तो लिमिट एज ए सम के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें लोअर लिमिट की वैल्यू चाहिए और अपर लिमिट की वैल्यू चाहिए, है ना। और ये दोनों चीज जब मिल जाएगा तो हम एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच क्या होता है? b - a/n। तो b - a/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/n। ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ठीक है। अब हमें एक्चुअली में इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फिर से इसको लिख लेते हैं e to the power x dx। और जब फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, याद है। या तो आप h टेंडिंग टू जीरो वाला यूज कर लो, या फिर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला यूज कर लो, ठीक ना। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये h टेंडिंग टू जीरो वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो h टेंडिंग टू जीरो वाले में हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगा तो हम n में चले जाएंगे, नहीं तो हम h में कैलकुलेट अगर कर सकते हैं तो कर लेंगे। तो क्या होता है? h इंटू f(a+f(a+h)+f(a+2h) याद होगा आपको। और इस टाइप से हम n-1 तक जाते हैं, है ना। हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम n-1 तक जा रहे हैं, n तक नहीं जा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हमने यहाँ पे n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब देखो वैल्यूज पुट करते जाओ, हम h के टर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। अगर h में हमारा काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम n में चले जाएंगे। दोनों से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है बस। a की वैल्यू कितनी है? -1। तो f(-1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e to the power -1, है ना। तो बस अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो सही है या नहीं, इतना तक आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और लास्ट जब लिखोगे e to the power -1 + n-1 into h, यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखो सब में यहां पे जो n-1 का e to the power -1 का टर्म है वो सब में कॉमन है, हर एक टर्म में, है ना। तो हम यहां पे लिख ले रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h टाइम्स e to the power -1। इस वाले टर्म को पावर में प्लस में है, तो इसको हम प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? e to the power -1 into e to the power h। वैसे ही सेकेंड वाले को भी हम सेम तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और वैसे ही आप सारे टर्म्स को ब्रेक कर सकते हो। हम सारे टर्म नहीं लिख रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h टाइम्स e to the power -1, देखो कॉमन है, तो सबसे मैंने e to the power -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? और लास्ट में e to the power n-1 into h, क्लियर है। तो अरुणिता अब समझ में आ रहा होगा कि e to the power -1 कॉमन लेने का मतलब क्या बोल रहा था, ठीक है। अब देखो जब सारा टर्म कॉमन ले लिया, तो ये सारा टर्म जो है ना,
ये पूरा पार्ट देखो क्या है, जीपी फॉर्म हो रहा है और जीपी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक ना। तो ये इन सबको हम सॉल्व करके लिख भी सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच यहां पे है ई टू दी पावर माइनस वन क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर ले ले रहा हूं, ठीक है। और देखो एच यहां पे है और इस वाले में ये क्योंकि जीपी है तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशियो कितना है ई टू दी पावर एच है, कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल, बस फॉर्मूले पे मैं पुट कर रहा हूं। तो जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर टू दी पावर एन, है ना, ये कॉमन रेशियो क्या है हमारा आर है, तो आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। सिंपली हमने फॉर्मूले में पुट किया है वैल्यूज। अब देखो कि क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, अब अगर हम इसमें वैल्यूज लिखें, ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस वन लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h इंटू e टू द पावर एन एच माइनस वन अपॉन e टू द पावर h माइनस वन, है ना। अभी जस्ट आपने ऊपर में h की वैल्यू कैलकुलेट की थी, h कितना था 2 बाई एन, तो यहां से देखो एन एच की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये एक्चुअली में क्या है कॉन्स्टेंट है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच टाइम्स ई टू द पावर 2 माइनस वन और ई टू द पावर एच माइनस वन, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो ऊपर वाला टर्म भी क्या है अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है ना। तो ऊपर वाला टर्म जब अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं यहां से, तो कितना हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस वन और e टू द पावर माइनस वन को नीचे लेके आएंगे e लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और देखो यहां पे क्या हो गया h इंटू वन बाई ई टू द पावर एच माइनस वन, ठीक ना। इस h को मैं इसके डिनोमिनेटर में नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो देखो नीचे हो पाएगा क्या, तो यहां पे हमारे पास e स्क्वायर माइनस वन बाई ई लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और इसको मैं ये लिख रहा हूं e टू द पावर h माइनस वन बाई एच, है ना। और इलेवेंथ में आपने ये लिमिट पढ़ा था h टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर h माइनस वन बाई एच की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्लास में आपको लिखवाया भी गया था और बोला गया था कि इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना है ना, और इसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो देखो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये जो लिमिट है ये सेमी टाइप का लिमिट है, ये लिमिट कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन बाई ई, ठीक है। यहां पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहां पे एच है तो यहां पे नीचे में एच ही होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अंकिता का जो एक क्वेश्चन था, देखो अंकिता लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर एट एच माइनस वन बाई एच था, है ना। तो जब इसको जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एट एच है और यहाँ पे एच है तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो यहां भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। तो अंकिता आप समझ में आ रहा है कि गलती क्या हुई थी, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बोर्ड में बस एक क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन आएगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। विशाल का एक क्वेश्चन था सिंपल इंटीग्रेशन का, टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन के लेक्चर में मैंने ये चीजें आपको उस टाइम पे बताया था कि किसमें किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन काम करता है ना। तो रूट ओवर वन माइनस एक्स, रूट ओवर वन प्लस एक्स, इन सब में हमें क्या पुट करना होता है एक्स इक्वल टू थीटा, है ना, क्योंकि हमें ये पता है ट्रिगोनोमेट्री में कि रूट ओवर वन प्लस एक्स रूट ओवर रूट के अंदर में वन प्लस कॉस एक्स कॉस थीटा, रूट के अंदर वन माइनस कॉस थीटा, रूट के अंदर वन प्लस साइन थीटा, रूट के अंदर वन माइनस साइन थीटा, ये कोई भी चीजें रूट के अंदर में नहीं रहता है, ये सब कुछ रूट से बाहर निकल जाता है,
ठीक है। और इसी लॉजिक को हमने इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में ये चीज हमने अप्लाई किया था, है ना। तो जब भी इस टाइप का कोई टर्म हो तो एक्स को आपको कॉस थीटा पुट कर देना है, ये टर्म बाहर निकल जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम यहां पे, विशाल देखो, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कॉस टू थीटा का, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, है ना। यहां से देखो इस दोनों, इस वाले फॉर्मूले से कॉस टू थीटा का दो फॉर्मूला होता है ना, ये भी होता है और ये भी होता है। इस वाले पार्ट से आप वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे, कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और इस नीचे वाले पार्ट से आप वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। क्लियर है। अब देखो अभी हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले हम इस इनवर्स वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी हम क्या कर रहे हैं। अभी के लिए हम बस इस वाले पार्ट को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम इसमें एक्स की जगह पे कॉस थीटा पुट करेंगे, है ना, इस कॉस थीटा को हम यहां पे पुट कर रहे हैं, तो देखो टेन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, है ना। और टेन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा को क्या पुट करेंगे, सॉरी वन माइनस कॉस थीटा को ये और कॉस थीटा को ये, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना। और ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई टू, है ना। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर हमें क्या दे देगा, थीटा बाई टू। और थीटा की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, यहां से देखो अगर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो हम थीटा कितना पुट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां पे कितना हो जाएगा, वन बाय कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्चुअली में ये जो आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में इसी इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको क्या लिख सकते हो, वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स dx। और आपको अब ये इंटीग्रेशन करना आता है ना, बुक में भी किया और पहले भी हमने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो विशाल अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में था, जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप बता दो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में हम लोग इसको डिस्कस करके सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट एज ए सम पे देखा था कि इंटीग्रेशन को हम लिमिट एज ए सम में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और अपने बेसिक मेथड पे आते हैं। तो जैसे हमें ये पता होता है कि अगर ये कोई कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक ना, और इसको हम यहां से यहां तक इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया की बात बोलूं, है ना, एरिया, तो इसका मतलब क्या है, हम एफ एक्स को क्या एज्यूम कर रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। जब कर्व आपका पॉजिटिव होगा तभी उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एरिया देगा। क्लियर है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो जब भी मैं एरिया बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मैं ये चीज एज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। जब हम आगे करेंगे एरिया वगैरह कैलकुलेट कैसे करना है, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कर्व नीचे होता है तो कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी के लिए जहां भी मैं एरिया वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब यह है कि कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है। और जब भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वहां पर ध्यान देना कि हमेशा हमने कर्व को एक्स एक्सिस से ऊपर ही एज्यूम किया है। तो हमेशा हम कर्व को पॉजिटिव मान के सॉल्व करते हैं और वही चीजें नेगेटिव में भी हम अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हाँ बोलो दीप ज्योति। दीप ज्योति दीप ज्योति मोदक बोलो।
क्या डाउट था तुम्हारा दीप ज्योति? ठीक है, मेल कर देना या मैसेज कर देना, तो उस पर हम लोग कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, जो डाउट हो वो लिख देना, उसको कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हमें ए से बी तक एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो ये हमारा फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। अच्छा ठीक है, मैं ये कर देता हूं इसके बाद। ठीक है, तो ये देखो कि अगर हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक ना, तो अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है ए से बी तक, तो हम ये इंटीग्रेशन ये लिख सकते हैं, है ना। तो एक्स इक्वल टू ए से बी, यानी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स का मतलब क्या होता है कि इसका एरिया इसके बीच में हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं। तो अब सोचो कि अगर हमें क्या करना है कि, और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा, है कि नहीं? ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम जब हम एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि ये एरिया यहां से यहां तक क्या है? फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये वेरी नहीं कर रहा है। तो जब भी आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, हमेशा हमें क्या मिलेगा? एक कॉन्स्टेंट मिलेगा और एक रियल नंबर मिलेगा, है ना। और यही चीज हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट भी लिखा था कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है। लेकिन अगर हम यहां पे एक वेरिएबल पॉइंट एक्स ले लें, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इसका एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट नहीं करें, एक्स के टर्म में करें, ठीक है। तो हम इसको यहां से एक्स वाले पॉइंट तक, यानी हम सिर्फ इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस वाले पार्ट का। तो अगर हमें सिर्फ इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमें इंटीग्रेशन को कैसे लिखना होगा? तो लोअर लिमिट तो हमें स्टार्टिंग ए से ही करना है, लेकिन अपर लिमिट हमें कहां तक जाना है? एक्स तक। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, है ना। और अब ये बताओ कि अब ये जो चीज निकल के आएगा, क्या ये कांस्टेंट अब होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो अपर लिमिट में एक्स है ना। यानी इस एक्स की वैल्यू को हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, हमारा एरिया का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अगर हम एक्स को आगे रखेंगे तो हमारा एरिया ज्यादा हो जाएगा, अगर एक्स को कम रखेंगे तो एरिया हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो ये अब क्या बन चुका है? एक वेरिएबल बन चुका है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल ए एक्स और एरिया फंक्शन, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये हमारा हो गया एरिया फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा है एरिया फंक्शन, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एरिया फंक्शन कैसे ये बन रहा है? इंटीग्रेशन वही है, सेम चीज है, बस अब हम एक कांस्टेंट या पूरे इंटरवल में इंटीग्रेट नहीं करके, सिर्फ हम कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं? इस बीच वाले एक वेरिएबल पॉइंट पे, है ना, इस वेरिएबल पॉइंट एक्स पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे, आपका ये वाला एरिया भी चेंज होता जाएगा हर बार, है ना। क्योंकि अब ये वेरिएबल बन चुका है, इसलिए अब इसको हम क्या बोल रहे हैं? एरिया फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस ये एक नाम है ना, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसका एरिया फंक्शन निकाल के बताओ क्या होगा, है ना। बस क्योंकि हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, इसलिए हम इसे एरिया फंक्शन बोल रहे हैं। हमें इसकी जरूरत एक थ्योरम में पड़ रही है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो ये बस एक फंडामेंटल थ्योरम है, इसको बस आप समझो कि कैसे हो रहा है। एरिया फंक्शन आप समझ चुके हो कि एरिया फंक्शन कैसे निकलता है ना। तो कोई भी फंक्शन हमें अगर दिया हुआ हो, तो हम उससे एरिया फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या बोलता है ना, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि, लिख लेते हैं, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए टू बी, ठीक है।
यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये वर्ड कंटिन्यूअस है, तो जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन का होता है ना। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो भी थ्योरम वगैरह बन रहा है वो सब किसके लिए है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए है ना। फंक्शन में कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो फॉर्मूला है और ये सब जो थ्योरम है ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए टू बी एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन ऑफ एफ एक्स है ना और फंक्शन एफ, क्लियर है। तो कोई भी अगर हमें फंक्शन एफ दिया हुआ हो तो उसका हम एरिया फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं, जस्ट इस तरीके से यहां पे जो हमने किया है। तो फंक्शन हमें गिवन है, बस हमने अपर लिमिट को क्या कर दिया, अपर लिमिट को कांस्टेंट नहीं लेके एक वेरिएबल एक्स में रिड्यूस कर दिया, तो वो हमारा एरिया फंक्शन बन गया, है कि नहीं। तो सिंपल ये चीज हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये क्या बोलता है देन, अब देखो इस चीज को अगर आप समझोगे तो अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, अगर हमें डेरिवेटिव पता है तो डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हमें फिर से वही फंक्शन मिलेगा। यानी अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स फंक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है एक दूसरे का, इनवर्स प्रोसेस होता है। देन ए डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फोर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है ये हमें क्या बताता है कि अगर आपका कोई इंटीग्रेशन वेरिएबल के टर्म में है ना, और अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो अगर हमारे पास ए एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो यहां से अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ए डैश एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ एक्स के इक्वल, है ना। तो ये फर्स्ट थ्योरम यही चीजें बोल रहा है। तो यहां से हमें एक चीजें क्लियर होती है कि कभी आपको जरूरत पड़े, वैसे बोर्ड में ये चीजें कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपको कभी पूछा जाता है ना, या अभी कभी आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी है ना, तो इंटीग्रेशन को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, लिमिट कांस्टेंट नहीं होना पड़ेगा, है ना। ये देखो अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, मान लो ये आई निकल के आ रहा है और कोई बोलता है कि बताओ डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या बताएंगे, जीरो, क्लियर है, है ना। लेकिन अगर हमारा ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि लिमिट क्या था हमारा यहां पे, कांस्टेंट था। तो ये फंक्शन कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता हमें, जब हम इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ही मिलने वाला है, और कांस्टेंट आई एक कांस्टेंट हो गया तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। लेकिन यहां पे जीरो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे अपर लिमिट वेरिएबल है ना। तो जब अपर लिमिट आपका वेरिएबल हो तो आप डायरेक्टली जब सॉल्व करोगे, है ना, एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे ये बस आप ध्यान रखना कि जब भी आपके पास
ये इंटीग्रेशन में लिमिट कांस्टेंट हो और उसको डिफरेंशिएट करना पड़े तो हमें कितनी मिलेगी वैल्यू, जीरो मिलेगी, है ना। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन इस टाइप से एरिया फंक्शन का करोगे तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये एफ एक्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहां पे अपर लिमिट क्या है आपका, वेरिएबल है, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको पता है, है ना। तो इस वाले पार्ट में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, थ्योरम है फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अगर फास्ट हो रहा है तो बता देना, ठीक है। सब लोग नोट कर पा रहे हो, ज्यादा जल्दी तो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी लगे कि कुछ जल्दी हो गया तो बोल देना, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और इसी को हम लोग मैक्सिमम टाइम पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो ये क्या बोलता है कि डेफिनेशन लिख लेते हैं, और ये चीज हमने स्टार्ट भी किया था। इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए टू बी एंड कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, है ना। यानी इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स मिलेगा, है ना। यानी इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, है ना। तो ये इसका मतलब होता है, यानी अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ये फंक्शन बोल रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड कभी कभी यूज होता है, तो इस चीज को याद रखना, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल ही होता है, ठीक है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक ए से बी में कोई फंक्शन है और कैपिटल एफ क्या है, उसका एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल एफ एक्स ए टू बी, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोगों ने फिजिक्स में भी यूज किया होगा, है ना। जब भी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं लिमिट के साथ, तो हम उसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान देना है, कि यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, है ना, और एंटी डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। यानी यही चीज हमने कहां पे किया था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो इतना टाइम दिया है, उसको समझा है, अलग अलग मेथड सीखे हैं, वो सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख जाए, है ना। तो कोई भी फंक्शन हो, उसको अगर आप किसी तरीके से इंटीग्रेट करके निकाल पाते हो, तो वही हमारा कैपिटल एफ एक्स होता है और वही हमारा एंटी डेरिवेटिव होता है, है ना। तो ये इस इंटीग्रेशन का कहने का मतलब यही है, है ना। और हम मैक्सिमम टाइम पे 99% टाइम पे हम यही मेथड यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, कोई भी फंक्शन हमें दिया होगा, सबसे पहले हमें उसका एंटी डेरिवेटिव पता करना है। एक बार एंटी डेरिवेटिव पता हो गया तो बस आपको लिमिट की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है कि नहीं। ये चीज क्लियर हो रहा है आपको। यहां पे हमारे पास दो चीजें
इंपॉर्टेंट है, पहली चीज कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस के लिए डिफाइन है, और दूसरी चीज यहां पे हमें यह भी ध्यान देना है, एक पॉइंट और बना के लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, इन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स द फंक्शन एफ एक्स मस्ट बी, ठीक है, यहां पे आपका जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। कहां पे वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड इन जो हमारा लिमिट है ए टू बी, तो ए से बी के बीच में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए। अच्छे तरीके से डिफाइन होने का मतलब क्या होता है, है ना, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ए से बी में कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, वो तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होगा तो भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना, तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफ एक्स जब भी हम फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए देगा हमें, तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि वो ए से बी इंटरवल में, और ये इंटरवल हमने कहां से लिया, ये वही इंटरवल है अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक, है ना, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है कि देखो कि अगर हमें कोई ये इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता है ना, इंटीग्रेशन माइनस टू टू फोर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना, तो कोई अगर हमें ये इंटीग्रेशन करने को देता है कि इस इंटीग्रेशन की आप वैल्यू मुझे करके बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज को, है ना, तो क्या ये चीजें करना पॉसिबल है, है ना, तो यहां पे देखो ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी, क्यों पॉसिबल नहीं होगी, ये चीजें यहां पे करना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है ना, ये रूट वाला पार्ट है, याद होगा आपको, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ जब होता है तो ये हमारा यहां पे फंक्शन है, और ये फंक्शन डिफाइन कहां पे होता है, तो हमें इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा, है ना, तो डोमेन हम कैसे निकालते हैं, तो रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, माइनस वन से वन के बीच में क्लोज आता है, ठीक है, और हमें लिमिट एक्चुअली में कहां से कहां तक दिया हुआ है, माइनस टू से फोर तक दिया हुआ है, तो क्या हम इसको माइनस टू से फोर तक कैलकुलेट कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि ये जो लिमिट दिया हुआ ये इस फंक्शन हमारा सिर्फ इसी बीच में डिफाइन है, जबकि ये इसके बाहर का भी लिमिट है ना, तो इस इंटीग्रेशन को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो वेल डिफाइन का मतलब यही होता है कि जब भी आपको कोई लिमिट दिया रहे, है ना, तो आपको ये चीज हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा वो वेल डिफाइन ही होगा, है ना, तो कभी आपको उस चीज पे डाउट नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर कभी लगे ऐसा, है ना, कभी आपको दिख जाए, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना, कभी कभी इस टाइप से वन मार्क के क्वेश्चन में कोई फंक्शन वो दे देगा और बोलेगा कि क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें उस केस में ये चीजें देखनी पड़ती है, क्लियर है, तो यहां पे आपको इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक अप्रोच हमारा यही सेकेंड मेथड ही है, मैक्सिमम टाइम पे हम सेकेंड मेथड ही यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे, है ना, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के, है ना, तो देखो अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, इजी सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स डीएक्स, ठीक है, ये चीज हमने किया हुआ है पहले, अब अगर कोई हमसे एक्स डीएक्स इंटीग्रेट करने के लिए बोलता है तो हमारा यहां पे दो तरीका है, ठीक है, एक चीज ये है कि आप क्या करो कि ये जो फंक्शन है आप अभी लिमिट को भूल जाओ, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को आप एक्चुअली में करो क्या कि इसको आप इनडेफिनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो हम एक्चुअली में इसको सॉल्व नहीं करके इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करना हमें आता है इनडेफिनिट में, हमने यही सब कुछ सीखा था, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एक्स स्क्वायर टू बाय एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, है ना। तो पहले आप ये चीज अलग में कैलकुलेट कर लो कि ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। उसके बाद इस वाले पार्ट पे आओ, 0 to 1 एक्स डीएक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव पता चल चुका है, तो इस वाले पार्ट को आप यहां पे पुट कर दो और सिंपली आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दो। तो जब 1 लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा, 1 square by 2 half, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। तो ये अप्रोच है हमारा फर्स्ट, पहला तरीका ये है कि आप इस चीज को इनडेफिनिट में कन्वर्ट करके फिर आप सॉल्व करो। अब देखो यहां पे याद होगा आपको कि हमने बोला था कि इनडेफिनिट में एक कांस्टेंट सी ऐड होता है, लेकिन डेफिनिट में हमने कोई सी ऐड करने के लिए नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था, सोचो कि क्या हमें सी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी क्या। मान लो कि हम इस पूरे फंक्शन को अपना एंटी डेरिवेटिव मान लेते हैं, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 to 1 एक्स डीएक्स को इस वाले में हमें पुट करना होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और इस वाले पार्ट में आप लिमिट पुट करोगे 0 to 1, है ना। जब आप 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी होगी, 1 by 2 प्लस सी, और जब 0 पुट करोगे तो कितना होगा, माइनस टाइम्स 0 माइनस सी, है ना। और देखो यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज कैंसिल हो गई, है ना। तो इसलिए हम इनडेफिनिट में कांस्टेंट को ऐड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो चीजें कैंसिल ही होने वाली है, तो हम बेकार का कैलकुलेशन क्यों करें उतना, है ना। तो जब भी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना होगा तो आप कांस्टेंट को नहीं लिखना है ना, डेफिनिट में नहीं लिखना है, इंडेफिनिट में आप साइड में निकाल के उसको लिख दो, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ आप ये कैपिटल सी वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे पार्ट को आपको लिख के इंटीग्रेट करना होगा, क्लियर है। तो ये हमारा एक मेथड है इंटीग्रेशन करने का, ठीक है। दूसरा मेथड हमने बोला कि हमने पहली चीज ये बताई कि आप इनडेफिनिट में कन्वर्ट करके कर सकते हो, और दूसरा अगर मान लो कि आपको इनडेफिनिट में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, आप डेफिनिट को ही लेके चल रहे हो, तो वो चीज भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको वहां पे फिर से वही चीजें ध्यान रखनी होगी। मान लो हमारे पास ये इंटीग्रेशन है x+2 x+1 dx है, ठीक है, और इसको हम 1 से 2 में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपको इसको इनडेफिनिट में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको डेफिनिट में ही इसको सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन के लिमिट को साथ में लेके मूव करना है, ठीक है। तो वो चीज भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको आपको करना आता है, क्या यूज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, 1 by x+1 - 1 by x+2, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, ए अलग अलग ब्रेक करना आता है ना, तो वो आप करके देख लेना, यही चीज निकल के आएगा, है ना। तो ये हमने अलग अलग ब्रेक किया, और उसके बाद आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, 1 by x+1 dx - 1 to dx x by x+2, ठीक है। और इसको भी आपको इंटीग्रेट करना आता है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ln x+1, वैल्यू पुट कर देंगे 1 to 2, माइनस फिर से इसको लिखेंगे ln x+2, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 to 2, है ना। और बाकी इसे सॉल्व करना आपको आता है, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहां पे हमने क्या किया कि हमने अपने लिमिट की वैल्यू को हटाया नहीं, हमने लिमिट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन इस वाले अप्रोच में हमने क्या किया कि पहले हमने इनडेफिनिट में साइड में इसको कन्वर्ट करके लिख लिया, इस वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को हमने कन्वर्ट करके लिख लिया, और फिर हमने यहां पे वैल्यू पुट करके फिर इसको कैलकुलेट किया। तो दोनों में से जो आपको मेथड इजी लगे, दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी में लगे कि हमें ये चीज, ये तरीका सही तरीके से करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या अगर आपको कोई सेकेंड वाला मेथड इजी लगता है तो आप सेकेंड वाला मेथड ट्राई कर सकते हो, क्लियर है। तो यहां तक जो था, हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं वो सब मेथड यहां पे एप्लीकेबल है, है ना। तो उस वाले पार्ट में इनडेफिनिट में हमारा मेन पर्पस यही था कि अगर हमारे पास fx dx किसी भी तरीके से दिया हुआ हो तो हम कैपिटल fx + c कैलकुलेट कर सकें,
है ना। और इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें करना क्या है कि यही चीज लिमिट के साथ होगी एफ एक्स डी एक्स, तो हमें बस इसमें इसी कैपिटल में लिमिट की वैल्यू पुट करके आंसर लिख देना है एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे, ठीक है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, है ना। तो इनडेफिनिट में हमारा मेन एम यही था कि किसी भी तरीके से हम फंक्शन को एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख जाए, है ना, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, बुक में कहीं कहीं पे या एग्जाम में कभी कभी वो ये वर्ड यूज कर लेता है। तो एंटी डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, एक बार आप कैलकुलेट कर पाओगे तो बस उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपली लिमिट की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, क्लियर है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन ट्राई करो, ठीक है, इजी वाला पार्ट है, एक्स प्लस ई टू द पावर ट्वाइस एक्स डीएक्स, इंडिकेट करो जल्दी से, हो जाए तो बताना। जल्दी कैलकुलेट करो, ए टू बी कॉस एक्स डी एक्स, क्वेश्चन नंबर थ्री, 0 to 1 थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये पार्ट इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बस आप वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन हो गया सबका, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, लिखो मत, बस करते जाओ, लिखने में टाइम लगेगा, बस क्वेश्चन करते जाओ, हाँ या ना बोलते जाओ कि क्वेश्चन नंबर वन हो रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी आएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, बस तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, फर्स्ट का देखो आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू फोर प्लस e टू दी पावर x को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1 बाई टू ई टू दी पावर x 0 टू 4, बाकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, मिट्टू सही है। क्वेश्चन नंबर टू, cos x, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, है ना, तो ये एक्चुअली में हमें क्या दे देगा आंसर, sin x a टू b, और वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा साइन बी माइनस साइन ए, है ना, यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन में क्या है कि आप बस इंटीग्रेशन के साइन को हटा दो, जहां पे भी साइन हट जाता है वहां से आगे बस आप पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आप उसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, वहां तक भी आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर फाइव करो, थर्ड में क्या होगा, थ्री बाय थ्री एक्स क्यूब जीरो टू वन प्लस टू बाय टू एक्स स्क्वायर जीरो टू वन प्लस एक्स जीरो टू वन, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना सबको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, साइन टू एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, है ना, लेकिन यहां पे टू है तो एक टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो माइनस कॉस टू एक्स और वैल्यू जीरो से पाई बाय फोर पुट करो,
बाकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आ रहा है ना, तो मैं बाकी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब आप वैल्यूज कैलकुलेट करो, किसी पार्ट में डाउट हो तो फिर मैं वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब इजी पार्ट है, ऑलरेडी कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 जिसका 6 हो गया, 7th करो। जिसका 6 हो गया, 7th, 8th ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये बताओ कि यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा, -1 to 2 है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ln x, याद होगा आपको, और ln x की वैल्यू जब हम -2 से -1 पुट करते हैं, तो अब ये बताओ कि हम ln हमारा याद है आपको कि ln x कहां पे डिफाइन होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, तो क्या हम यहां पे x की वैल्यू -1 पुट कर पाएंगे, ठीक है, या -2 पुट कर पाएंगे, तो अब ये चीज डिफाइन कैसे होगा और ये इंटीग्रेशन पॉसिबल कैसे है ना, प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है आपको कि मैंने क्या बोला कि यहां पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट आ रहा है, तो आपको याद हो कि जब भी हमने 1/x का इंटीग्रेशन लिखा था तो वहां पे हमने ln x नहीं लिखा था, क्या लिखा था, ln of mod x, याद आ रहा है, तो यहां पे एक्चुअली में इसलिए हमने वहां पे mod लगाया था, है ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो ln में जाएगा, लेकिन ln में सिर्फ ln x नहीं होता, इस एक्सप्रेशन के जगह पे कुछ भी हो हमें उसका क्या लेना है, मॉड लेना है, और अब ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ln 1 माइनस ln 2, ln 1 कितना हो जाएगा 0 और माइनस ln 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ln 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 to the power x, क्या होता है इंटीग्रेशन, 2 to the power x बाई ln 2 याद होगा, और इंटीग्रेशन 0 to 1, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक सबका कंप्लीट हो गया, किसी को डाउट 6 तक में, जिसका 8 हो गया है वो ये क्वेश्चन ट्राई करो। जिसका 8 हो गया है 9 और 10 ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, इजी है, दोनों को अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट का कितना हो जाएगा, x² / 2 प्लस ln x, है ना, इन दोनों को आप कंबाइन करके भी लिमिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो अलग अलग करके ले लो या फिर चाहो तो आप कंबाइन करके ले लो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पार्ट सही है। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रेक कर पाओगे, है ना, तो किस में ब्रेक होगा, ये 1/x - 2 - 1/x - 1, ठीक है, देखो -1, हाँ ठीक है, और इसमें आपको बस लिमिट की वैल्यू पुट करनी है 4 to 6, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक ना, तो अगर आपको ये चीज डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो लिख सकते हो, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में
क्वेश्चन नंबर 9, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो नीचे का डेरिवेटिव देखो ऊपर बन रहा है ना, तो नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर बन रहा है तो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नीचे वाले को टी लोगे है ना, तो इसको आप पहले क्या करो, डेफिनिट में कन्वर्ट कर लो, इनडेफिनिट में कन्वर्ट कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, नीचे वाले को टी लोगे तो ऊपर डी टी बन जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कितना दे देगा ये, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो अब आपको बस यहां पे वो चीजें पुट करनी है, ये हमने अलग से सॉल्व कर लिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट की वैल्यू पुट कर दो माइनस 1 टू 1 है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप 3, याद आ रहा आपको है ना, तो ये टाइप 3 है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पुट करो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो कि अगर हमें ये इंटीग्रेशन होता, ठीक है, माइनस 1 टू 1 1 बाई एक्स डीएक्स, तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन लिख लो, चेक वेदर इस इंटीग्रेशन को आई एज्यूम कर लेते हैं, चेक वेदर आई इज इंटीग्रेबल और नॉट, इफ यस देन सॉल्व, इफ नो देन वाई, ठीक है। तो अगर ये इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 टू 1 लिमिट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि यहां पे माइनस 1 से 1 में लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, और ये 1 बाई एक्स फंक्शन है और ये डीएक्स है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं आपको ये चेक करना है, अगर पॉसिबल है तो आप इसको सॉल्व कर लो, अगर पॉसिबल नहीं है तो रीजन बताओ कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, इनडेफिनिट में आप सारे टाइप के फंक्शन को इंडिकेट करना आपको आ चुका है, ठीक है, बस आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां के बाद आप एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, 7.9 कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी का अलग मेथड और जितने भी हमने इंटीग्रेशन देखे हैं उन सबको कैसे कैसे हमें इंटीग्रेट करना होता है वो सब कुछ हम लोग उस वाले पार्ट में देखेंगे, है कि नहीं। तो अभी के लिए आप एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट कर लो, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, सारे इंटीग्रेशन आपको पता है, बस वैल्यू पुट करके आंसर मैच कराना है। तो एक बार अगर आप ये सीख गए तो आगे के पार्ट में आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करने में काफी आसान रहेगा, सिंपल रहेगा, है ना, क्योंकि आगे धीरे धीरे जब चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो सकता है ना, लेकिन वैसा नहीं है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा लेकिन वो काफी इजी होता है, जितना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना क्वेश्चन इजी होता है, तो हमें उसी लेवल तक पहुंचना है आराम से कि किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन हो हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर सके। तो 7.9 में बस बेसिक से फंक्शन है, सबका इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, ये सारे पार्ट्स आप कंप्लीट करो और देखो कि कैसे ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसी इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो इसके आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट करो, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, ओके बाय।